आर्थिक विकास के साथ महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के मकसद से वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इस साल के बजट में देश के पहले महिला बैंक की स्थापना की घोषणा की थी और इस बैंक की कमान संभालेगी पंजाब नेशनल बैंक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उषा अनंत सुब्रमण्यम। आज डीडी न्यूज के लिए उन्हीं से बात करते हैं। उषा जी, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। पहले महिला बैंक की जरूरत की बात की जाए तो कितनी जरूरत समझती हैं आप? एक सर्वे किया गया है बूजन कंपनी ने, उसमें आर्थिक एम्पावरमेंट दैट इज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में 128 कंट्रीज उनकी सर्वे किया है, उसमें भारत का स्थान है 115 जी। तो ये फैक्ट आपको बताएगा हमारा विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, हम कितने नीचे है रैंकिंग में। आप इंटीरियर इंडिया में जाएंगे थोड़ा स्टोरी अलग है, कहानी बदलता है। तो वहाँ स्टिल यू नो देयर इज एम्पावरमेंट लैकिंग इन दी विमेन। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? ये तो बड़ी चैलेंज है, लेकिन इट इज इंटरेस्टिंग क्योंकि वो मेनी टाइम्स इवन इन द अर्बन सिटीज यू नो मेट्रोपॉलिटन लाइक दिल्ली बॉम्बे जैसा शहर में भी विमेन के पास पैसा हो सकता है, लेकिन वो ऐसे मानते हैं हमें एडवाइस बराबर नहीं मिलता है, हम औरत करके या महिला करके कोई बराबर एडवाइस नहीं देता है, थोड़ा सा इंडिफरेंस है। तो ये बैंक में ऐसे नहीं है महिलाओं के लिए, तो वो कभी भी दे कैन वॉक इन, उनकी जो चाहिए एडवाइस चाहिए जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए सब कुछ मिलेगी इधर। लेकिन इसकी क्या वजह है कि प्रमोशन से लेके स्किल्स तक में सब जगह ये डिस्क्रिमिनेशन फेस करना ही पड़ता है? सी आजकल, पहले ऐसा नहीं, पहले तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड था, बैंकिंग वाज सीन एज अ सेफ एम्प्लॉयमेंट सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट उतना ही था और ज्यादा क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं था। SSC यू नो मे बी पीपल हैव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुएट्स ज्वाइन किया है, लेकिन आजकल की जो और क्या होता था प्रमोशन लेते थे लेडीज, लेकिन स्केल वन स्केल टू के आगे नहीं जाने को इच्छा नहीं था उनको, क्योंकि उनको घर संभालना है। अभी वी हैव टू गो विद द टिपिकल इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर में लेडी को घर संभालना पड़ता है, ऑफिस में भी लेडीज जनरली हैव द टेंडेंसी अच्छा नाम कमाना है, अच्छा काम करना है, यू नो नोबडी लेडीज आर जनरली वेरी कॉन्शियस, हम तो ऐसे अच्छे नाम लेना है इवन इन दी ऑफिस और घर भी संभालना पड़ा, तो एक दो तीन स्केल के बाद वो छोड़ देते हैं वो। लेकिन इसमें उनको भी डिसएडवांटेज है, बैंक को भी डिसएडवांटेज है। जब भी एक औरत या महिला प्रमोशन नहीं लेती है वो डिसफंक्शनल होती है, कैसे मैं बता दूं, उनकी एस्पिरेशंस आर स्कटल, वो तो बंद हो जाता है, आगे बढ़ाना है आगे कोई बनना है हम, वो उस एस्पिरेशन चल जाता है। और दूसरी, अगर आप प्रमोशन नहीं लेते हैं तो आपकी अपडेशन ऑफ नॉलेज, मैं तो ये स्केल में हूँ मैं काम कर रही है ठीक है मुझे, बट आगे का क्या हो रहा है बैंकिंग क्षेत्र में क्या हो रहा है या इंश्योरेंस क्षेत्र में क्या हो रहा है इधर उधर आई मीन अपने एरिया में क्या हो रहा है वो अपडेशन नहीं होता है। मैं तो मेरा डेस्क संभाल सकती हूँ ठीक है, इस तक मैं काम कर सकती हूँ अच्छा मेरा, तो आपकी नॉलेज अपडेशन बंद हो जाती है, एस्पिरेशन बंद हो जाती है, तो इट बिकम्स डिसएडवांटेजेस टू द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो। आपके यहाँ तक पहुँचने में किन चीजों की भूमिका रही जो आप जिन चीजों का आप जिक्र कर रही हैं कि अधिकतर महिलाएं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं, आप यहाँ तक पहुँची हैं तो किन चीजों की भूमिका रही जो आपके सहयोगी पक्ष रहे इस? नहीं, मुझे तो एक घर से बहुत सपोर्ट मिला है क्योंकि माय हस्बैंड हो मेरा इन लॉज हो, नॉर्मली यू नो इन लॉज पीपल वरी फर्स्ट व्हेन यू गेट मैरिड, बट देयर बीन बहुत अच्छे है फैमिली, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं था। और मेरा हस्बैंड का नानी हमारे साथ रहती थी, तो मेरा एक ही लड़का है एक ही बच्चा है तो उसको संभालती थी, वो 10th स्टैंडर्ड तक वो संभालती थी, उसके बाद वो गुजर गई, तो उसके बाद मुझे थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा है, बट वो एक ही चाइल्ड है, तो आफ्टर 10th चिल्ड्रन आर मोर मैच्योर, तो ही हैज टेकन जर्नलिज्म एंड उसकी लाइन अलग ही हो गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं उषा जी आपको आने वाले बैंक की चुनौतियों के लिए। और ये हैं उषा अनंत सुब्रमण्यम, जिनका मानना है कि ये अपने आप में एक नया प्रयोग होगा और इसकी सफलता देखने लायक होगी देश की महिलाओं के लिए भी और देश के आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी के लिए भी। डीडी न्यूज पे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।